बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे स्कूल लीडर्स के हवाले से, और स्कूल लीडर्स की बहुत सारी पोस्टें खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई हुई है, और उनके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो अभी अप्लाई कर दें। और इस हवाले से बहुत सारे सवाल थे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, इनके काम क्या होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी हवाले से है, आपने ये वीडियो देखनी है और आपने ये भी फिर अंदाजा लगा लेना है कि स्कूल लीडर्स जो हैं हमारे वो क्या करेंगे, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। देखें दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डॉक्यूमेंट जारी किया है स्कूल लीडर प्रोग्राम के हवाले से। स्कूल लीडर जो लीडरशिप प्रोग्राम है उसके हवाले से, तो ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको बेहतर करने के लिए ये जो है स्कूल लीडर जो है वो अनाउंस किए गए हैं, और स्कूल लीडर का ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। व्हाट विल स्कूल लीडर्स डू, स्कूल लीडर्स क्या करेंगे जी? इनसाइड द स्कूल, यानी कि दो इनकी बातें हैं, एक तो इनसाइड द स्कूल और एक विद इन द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के साथ मिलकर भी काम करेंगे और स्कूल के अंदर भी ये कुछ फराइज सर अंजाम देंगे। तो स्कूल के अंदर इनके काम क्या होंगे जी? ऑब्जर्व टीचर्स, ठीक है जी, डिलीवरी ऑफ लेसन इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में जो टीचर्स किस तरीके के साथ अपना लेसन जो है वो डिलीवर करते हैं, किस तरीके के साथ पढ़ाते हैं, इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर इसको बेहतर करने के लिए इकदाम किए जाएंगे, उनको बेहतर करने के लिए तजावीज दी जाएंगी, ट्रेन किया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा। कंडक्ट स्टूडेंट्स असेसमेंट, जो तलबा हैं उनकी असेसमेंट कंडक्ट करेंगे, तलबा के बारे में भी ये असेस करेंगे कि तलबा ने कितना कुछ सीखा है, उनकी कारकर्दगी कितनी बेहतर हुई है। ट्रैक क्वालिटी ऑफ चेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स नोटबुक्स, जो स्टूडेंट्स की नोटबुक्स हैं, कॉपियां हैं, उनकी चेकिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि किस तरीके के साथ उनकी कॉपियों को चेक किया जा रहा है, उनकी क्वालिटी क्या है, और प्रॉपर तरीके के साथ स्टूडेंट्स अपनी कॉपियां जो है वो मेंटेन करते हैं, नोटबुक्स बनाते हैं, और उन नोटबुक्स को चेक भी किया जाता है या नहीं किया जाता। मेंटोर टीचर्स थ्रू लर्निंग हॉर्स, लर्निंग हॉर्स के दौरान वो टीचर्स की मेंटरिंग करेंगे, टीचर्स को सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके के साथ वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेसन डिलीवरी को किस तरीके के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है। ये तो हो गए स्कूल के अंदर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्कूल के बाहर वो क्या काम करेंगे? तो वर्क विद पेरेंट टीचर्स काउंसिल, पीटीसी जिसको हम बोलते हैं, टू रिड्यूस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड इंक्रीज स्टूडेंट अटेंडेंस। तो वो पीटीसी के साथ मिलकर जो स्कूल से बाहर तलबा हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी तादाद को कम करने की कोशिश करेंगे, बच्चों को स्कूल लाया जाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज करेंगे। हेल्प विद एनरोलमेंट कैंपेन्स, जो एनरोलमेंट कैंपेन है, यानी कि हर बच्चा स्कूल में, इस तरह के जो कैंपेन्स हैं, तमाम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो कोशिशें हैं, उस हवाले से जो है वो एनरोलमेंट को बढ़ाया जाएगा, एनरोलमेंट में वो मदद करेंगे। मॉनिटर टीचर्स ट्रेनिंग, जो टीचर की ट्रेनिंग होगी, टीचर्स ट्रेनिंग, उनको ये मॉनिटर करेंगे, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी जो है वो स्कूल लीडर्स की। तो इस हवाले से देख लें कि बड़ा जबरदस्त किस्म का ये रोल है और बड़ा एक अट्रैक्टिव किस्म का काम है, हर बंदा चाहता है कि इस तरह का काम वो करे। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आप एजुकेशन में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, आप जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, टीचर्स के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, कम्युनिटी में एजुकेशन के हवाले से काम करना आपका ख्वाब है, आपका मकसद है, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह जो है वो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें आपकी वजह से बेहतर भी होंगी। तो आप अपनी तैयारी का सिलसिला भी जारी रखें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।